नयामत है क्या? आ जाओ। हमसे कोई गलती हुई, हमसे कोई गलत कर्म हुआ, उस कर्म का हम पश्चाताप करें और उस पश्चाताप के बाद हम अच्छा जीवन जिए। आप एक इस तरह का काम करें कि आपका परिवार, आपका समाज आपको एक गरिमापूर्ण रूप से देखे। अरियाई के बाद क्या आगे का प्लान है? सर बाहर जाके अच्छी नौकरी मिल जाए, नौकरी करना चाहूंगा और अपने माँ बाप की सेवा। मैम नमस्ते, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया ओपन कैंप में। थैंक यू मैम। क्या सोचा है तुमने आगे करने के लिए? मैम खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूंगी। अरे मम्मी वो आज सेठ जी के यहाँ गई थी ना मेहंदी लगाने के लिए, उनको मेरी लगाई हुई मेहंदी बहुत पसंद आई और उन्होंने 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दिया मुझे। योर रिज्यूम इज क्वाइट इंप्रेसिव। थैंक यू सर। आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो? अब चिंता करने की कोई बात नहीं, मैं कोई अच्छी सी नौकरी करूंगा और आपकी सेवा करूंगा। भगवान तेरी मदद करे। वो मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था ना, वो लोन पास हो गया मम्मी, और अब मैं खुद का ब्यूटी पार्लर खोलूंगी, अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊंगी, आपकी आंखों का ऑपरेशन करवाऊंगी। मैं बहुत खुश हूँ मम्मी, मैं बहुत खुश हूँ। हेलो, क्लासिक मेहंदी डिजाइन जो फेसबुक पेज है वो आप ही हैं? आप कौन बोल रहे हैं सर? मैं क्राइम रिपोर्टर बात कर रहा हूँ। सर एक अच्छी खबर है, फ्रंट पेज पे जा सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, अरे समय के साथ इंसान को बदलना पड़ता है, समय के साथ बदलो और पहले ठिया पकड़ो। सर एक बार मौका तो दे के दीजिए सर। अरे भैया आप तो पीछे पड़ गए। ज्यादा अच्छा होगा आप ये कहानी किसी डायरेक्टर को सुनाओ, हो सकता है वो इस पे कोई फिल्म बना ले। मेरे सपने अंधेरों में। कान्हा, तो कान्हा तो बहुत अच्छा नाम रखा आपने, इसको खुद पढ़ाना। ये बात आज मेरी नोट कर लो कि हमें इसको खूब पढ़ाना है। अभी संभले भी नहीं थे कि फिर निकाले गए। कान्हा बहुत पढ़ाई करेगा, अपनी मम्मा का नाम रोशन करेगा। करोगे ना कान्हा नाम रोशन? मुझे डर लग रहा है चाचा। मेरे सपने अंधेरों में फिर उछाला।